ये कहानी है एक लड़के की जिसकी जादुई क्रिसमस विश ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये मूवी हमें सजेस्ट की है रघुराज सिंह ने। ये कहानी शुरू होती है 1985 में। आज क्रिसमस ईव है और सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जॉन बेनेट आता है। वो उन बच्चों से उनके साथ खेलने के लिए पूछता है, पर वो बच्चे जॉन को अपने साथ खिलाने से मना कर देते हैं। जॉन का कोई दोस्त नहीं होता और जॉन फिर उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से बच्चों को खेलते हुए देखता है। और अगले दिन क्रिसमस की सुबह सभी बच्चे अपने गिफ्ट खोलते हैं और जॉन को उसके बर्थडे पे टेडी बियर मिलता है और जॉन उसका नाम टेड रखता है। और जॉन रात को सोने से पहले विश करता है कि काश टेडी उससे सच में बोल पाता। और फिर हम टूटता हुआ तारा देखते हैं। जॉन सुबह उठ के देखता है कि टेडी उसके बेड पर नहीं है। जॉन उसको हर जगह ढूंढता है पर उसको वो नहीं मिलता। तभी पीछे से टेड की आवाज आती है और जॉन उसको बोलता हुआ देख के हैरान हो जाता है। वो दोनों फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जल्दी ही जॉन के इस चमत्कार की कहानी पूरे देश में फैल गई और टेड फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। फिर भी टेड अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को नहीं भूला। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो टीवी पे टेड को देख रहा होता है। वो टेड को देख के अपने पापा से टेड मांगता है। वो अपने पापा को कहता है कि मुझे भी बोलने वाला टेडी बियर चाहिए, पर उसके पापा उसको मना कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं 27 साल बाद। अब जॉन 35 साल का हो चुका है। जॉन और टेड अब भी साथ रहते हैं और वो दोनों बहुत बड़े नशेड़ी बन चुके हैं। वो सारा दिन बैठ के गांजा फूंकते रहते हैं। जॉन की अब एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी है। जॉन उससे 4 साल पहले डांस क्लब में मिला था। जॉन और टेड बैठ के गांजा फूंक रहे होते हैं। तभी जॉन को याद आता है कि उसको ऑफिस जाना है, पर वो बहुत नशे में होता है। तो टेड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर टेड और जॉन जॉन के ऑफिस जाते हैं, पर टेड भी नशे में होता है और वो वहां पहुंचते ही जॉन की गाड़ी ठोक देता है। जॉन अपने ऑफिस में दोस्तों से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि लॉरी और मैं 4 साल से साथ हैं और कल जॉन उसे किसी अच्छी जगह ले जाना चाहता है। तभी जॉन का दोस्त कहता है, तुम 4 साल से साथ हो? वो बताता है कि उसकी सबसे लंबी रिलेशन चली थी 6 महीने और उसकी गर्लफ्रेंड ने नींद में ही पात दिया था और वो सुबह उठ के वहां से चला गया था। रात को जॉन और लॉरी किस कर रहे होते हैं। तभी जॉन बादल गरजने की आवाज सुन के डर जाता है और टेड तभी भाग के उनके कमरे में आ जाता है और जॉन और लॉरी के बीच में सो जाता है। अगले दिन जब लॉरी अपने ऑफिस जाती है, वो बहुत उदास होती है। ये देख के उसकी दोस्त कहती है, तुम परेशान लग रही हो। और फिर लॉरी उसको कल की रात के बारे में बताती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम उसे बर्दाश्त ही क्यों कर रही हो? फिर लॉरी कहती है, उसे जॉन बहुत पसंद है, उसे बस टेड नहीं पसंद। फिर उसकी दोस्त उसको कहती है कि तुम जॉन को कह दो कि या तो मैं रहूंगी या तो टेड, पर वो ये करने से मना कर देती है। वो कहती है, ये जॉन को बर्बाद कर देगा और क्या हुआ अगर उसने टेड को चुना। तभी वहाँ लॉरी का बॉस आ जाता है और वो उसको अपने कैबिन में बुलाता है और वो वहाँ पे लॉरी पे लाइन मारने लग जाता है, पर लॉरी उसको मना करके वहां से चली जाती है। रात को जॉन और लॉरी शहर के सबसे बड़े होटल में डिनर करने जाते हैं। डिनर पे वो उस दिन को याद करने लग जाते हैं जब वो पहली बार मिले थे। जॉन वहां पे डांस कर रहा होता है और वो डांस करते हुए लॉरी को गिरा देता है। फिर जॉन उससे माफी मांगता है और उसके सिर पे बर्फ लगाता है। फिर लॉरी जॉन से पूछती है कि उस दिन हमने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का क्या नाम था? और जॉन उस मूवी का नाम सही बताता है। और फिर जॉन लॉरी को एक गिफ्ट देता है। लॉरी को लगता है उसके अंदर रिंग है और जॉन उसको प्रपोज करने वाला है, पर जॉन उसको इयररिंग देता है। जॉन उसको कहता है कि एक दिन उसके अंदर रिंग होगी, पर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लॉरी कहती है कि तुम्हारा कोई करियर नहीं होगा अगर तुम टेड के साथ समय बर्बाद करते रहे, पर जॉन टेड से अलग नहीं हो सकता क्योंकि टेड उसका इकलौता दोस्त है। जॉन लॉरी को टेड से अलग होने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं टेड के साथ तब से हूँ जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। लॉरी कहती है, अब तुम 8 साल के नहीं हो और अब वो तुम्हारा अकेला दोस्त नहीं है। फिर वो दोनों जॉन के घर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जॉन का फोन गाड़ी की सीट के नीचे गिर जाता है। फिर लॉरी जॉन के अपार्टमेंट में चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, वो देखती है टेड 4 लड़कियों के साथ बैठ के मूवी देख रहा है। तभी लॉरी फर्श पे टट्टी पड़ी हुई देखती है। वो टेड पे गुस्सा करने लग जाती है। टेड उसको कहता है कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और वो ये सब देख के हैरान हो जाता है। अगले दिन जॉन टेड को लेके घूमने जाता है और जॉन वहाँ पे टेड को अलग होने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं लॉरी को हमेशा के लिए खो दूंगा। टेड अलग होने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि हम हमेशा साथ घूमेंगे। जॉन टेड के लिए अलग अपार्टमेंट ढूंढ देता है और उसको एक ग्रोसरी स्टोर में नौकरी दिलवा देता है।
इंटरव्यू में ग्रोसरी स्टोर का मालिक टेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी के लिए चाहिए। टेड कहता है वो तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। पर वो ऐसा कहने के बाद भी टेड को नौकरी दे देता है। उसके बाद जॉन और टेड पार्क में घूमने जाते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ टेड को देख के उसके साथ फोटो खींचने के लिए कहती हैं। टेड उनके मजे लेने लग जाता है। टेड हर चीज में मजे ढूंढता है। जॉन और टेड फिर पार्क में बैठ के ड्रग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। ये वही आदमी होता है जो बचपन में अपने पापा से टेड को मांग रहा होता है। उसको टेड नहीं मिला होता, इसलिए वो चाहता है कि उसके बेटे को टेड मिले। वो जॉन से पूछता है क्या तुम टेड को बेचना चाहोगे। जॉन उस आदमी को मना कर देता है। ये देख के वो बच्चा जॉन से बदतमीजी से बात करने लग जाता है। पर उस बच्चे के पापा जॉन को अपना एड्रेस दे देते हैं और वो जॉन को कहते हैं कि तुम कभी भी अगर इसे बेचना चाहो तो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो टेड का सामान उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। लॉरी जॉन को टेड को अलग करने के लिए थैंक यू कहती है और जॉन कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दोनों अब घर पे अकेले रहते हैं और लॉरी अब बहुत खुश है। और दूसरी तरफ टेड ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी वो उसके साथ काम करने वाली एक लड़की को देखता है। टेड को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। और फिर टेड अपना काम छोड़ के घर आ जाता है और फिर वो जॉन को भी बुलाता है, पर जॉन काम छोड़ के आने से मना कर देता है। पर टेड कहता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ और वो जॉन को मना लेता है। और जॉन अपने बॉस को झूठ बोल के टेड के घर चला जाता है। और फिर जॉन और टेड बैठ के चरस गांजा फूंकते हैं। फिर टेड जॉन को बताता है कि वो एक लड़की से मिला है। फिर जॉन कहता है कि हम चारों साथ में डिनर पे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में बहुत लंबी लाइन लगी है। फिर ग्रोसरी स्टोर का मालिक देखता है कि टेड और वो लड़की अपने काउंटर पे नहीं है। वो उन्हें ढूंढने जाता है। उसको गोडाउन से उस लड़की की बहुत तेज आवाजें आती हैं। फिर जब वो अंदर जाके देखता है वहाँ पे टेड और वो लड़की घपाघप कर रहे होते हैं। ये देख के ग्रोसरी स्टोर का मालिक टेड को कहता है कि तुमने ये हरकत की उस माल के ऊपर जो हम पब्लिक को बेचते हैं। टेड कहता है पिछले हफ्ते मैंने ये मूली के साथ किया था। ये देख के ग्रोसरी स्टोर का मालिक कहता है कि इसके लिए तो हिम्मत चाहिए और हमें ऐसे ही लोग चाहिए, और वो टेड को प्रमोट कर देता है। टेड रात को दारू पी रहा होता है। जब वो बॉटल फेंक के वापस काम पे जा रहा होता है तभी उसको पीछे से आवाज आती है। ये वही आदमी होता है जो उसको पार्क में मिला होता है। वो टेड को उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहता है, पर टेड उसको मना कर देता है। तभी वहाँ टेड की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो टेड को कहती है कि हम डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। वो चारों डिनर पे बात कर रहे होते हैं। तभी टेड की गर्लफ्रेंड की लॉरी के साथ लड़ाई हो जाती है, पर टेड उसको वहाँ से लेके चला जाता है। फिर लॉरी जॉन को बताती है कि उसको पता है कि तुमने बहाना बनाया था टेड के घर जाने के लिए। जॉन फिर उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। लॉरी जॉन को माफ कर देती है। और फिर उसके बाद वो लॉरी के बॉस रेक्स के घर पार्टी पे जाते हैं। और फिर वहाँ पे लॉरी का बॉस जॉन को अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाने लग जाता है। तभी वहाँ पे टेड का फोन आता है। वो जॉन को अपने घर पार्टी पे बुलाता है। वो कहता है कि उसके घर सैम जॉन्स आया हुआ है। सैम जॉन्स उनका फेवरेट फिल्म स्टार होता है। ये सुन के जॉन टेड के घर जाने की सोचता है और वो लॉरी के बॉस को ये कह के चला जाता है कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और तुम ये बात लॉरी को मत बताना। जॉन अब भागा भागा टेड के घर जाता है। वहाँ पे वो सैम जॉन्स को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो उसके साथ उसकी मूवी के सीन्स इमेजिन करने लग जाता है। और फिर वो तीनों मिलके पार्टी करते हैं। वो पार्टी करते हुए बहुत मजे करते हैं। मजे मजे में वो अपनी दीवार भी तोड़ देते हैं। टूटी दीवार देख के उनका पड़ोसी उनसे लड़ने आ जाता है और उनकी उससे हाथापाई हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी घड़ी देखता है और वो देखता है कि 10:30 बज चुके हैं और वो वहाँ से जल्दी से लॉरी के पास भागता है। पर वो देखता है कि लॉरी वहीं आ चुकी है। जॉन को वहाँ देख के वो उससे गुस्सा हो जाती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। और फिर वो जॉन से कार की चाबी लेके चली जाती है। उसके बाद वहाँ टेड आता है और जॉन गुस्से में इस सब के लिए टेड को ब्लेम करता है। जॉन फिर टेड से लड़के एक होटल रूम में चला जाता है। अब जॉन एक होटल में शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ लॉरी भी अकेली है और वो घर पे सैड मूवी देख रही होती है। और अगले दिन जब लॉरी ऑफिस जाती है वहाँ पे रेक्स उससे पूछता है कि उसने अफवाह सुनी है कि वो अब सिंगल है। फिर रेक्स उससे आज शाम को बाहर जाने के लिए पूछता है, पर लॉरी उसको मना कर देती है। वो उसको कहती है कि उसके ब्रेकअप हुए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और वो शुरू हो गया है। पर रेक्स उससे प्यार से बात करके उसको मना लेता है। और दूसरी तरफ टेड जॉन से बात करने आता है और फिर टेड जॉन को बताता है कि वो यहाँ आने से पहले लॉरी से मिलने गया था और उसने वहाँ पे उसको रेक्स के साथ देखा। पर जॉन टेड की बात का यकीन नहीं करता और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है।
और फिर टेड कहता है कि लॉरी बिल्कुल सही थी, पर जॉन को अब भी ये लगता है कि लॉरी टेड की वजह से गई है, और जॉन दोबारा अपनी गलतियों के लिए टेड को ब्लेम करने लग जाता है। जॉन गुस्से में टेड को ये कह देता है कि काश उसने उस क्रिसमस की रात वो विश ना मांगी होती। ये सुन के टेड जॉन को मारने लग जाता है, फिर जॉन भी उसको मारता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। टेड से लड़ते हुए जॉन के ऊपर टीवी गिर जाता है। फिर वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, और टेड जॉन को कहता है कि मैं लॉरी को समझा दूंगा, पर जॉन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। रेक्स लॉरी को लेके एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में गया होता है और टेड जॉन को उसके साथ वहां जाने के लिए मना लेता है। फिर टेड और जॉन उस कॉन्सर्ट में जाते हैं और फिर वहां जाके हमें पता चलता है कि टेड नोरा जोन्स को जानता है, जिसका वो कॉन्सर्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि नोरा जोन्स जॉन को अपने कॉन्सर्ट के बीच में आने देती है। जॉन लॉरी के लिए वहां पे एक गाना गाता है, पर ऑडियंस को वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और एक आदमी तो वहां पे जॉन को मारने भी आ जाता है, पर जॉन उसको माइक से मार के गिरा देता है, और फिर सिक्योरिटी जॉन को वहां से ले जाती है। कॉन्सर्ट के बाद रेक्स लॉरी को कहता है कि जॉन ने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया, पर लॉरी रेक्स को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, और फिर वो वहां से कैब लेके अकेली घर चली जाती है। अगले दिन सुबह लॉरी के घर की घंटी बजती है, जब वो दरवाजे पे जाके देखती है वहां पे टेड होता है। टेड लॉरी को कहता है कि जॉन उससे बहुत प्यार करता है, और टेड कहता है कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, मैंने उसको तुम्हें छोड़ के मेरे घर आने के लिए मजबूर किया था। टेड लॉरी से जॉन से बात करने के लिए कहता है, और वो कहता है कि मैं बदले में तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर लॉरी जॉन से मिलने चली जाती है और टेड घर पे अकेला होता है। तभी वहां पे डॉनी आता है और टेड को किडनैप कर लेता है। वो टेड को किडनैप करके अपने घर ले आता है। वहां पे हम देखते हैं कि डॉनी टेड का बहुत टाइम से पीछा कर रहा होता है। उसकी दीवार टेड की फोटोज से भरी होती है। वो टेड को कहता है कि अब तुम मेरे बेटे रॉबर्ट के हो, और जैसा वो कहेगा तुम वैसा ही करोगे। डॉनी का बेटा बहुत शैतान होता है। वो टेड का एक कान निकाल देता है। टेड उसके साथ लुका छुपी खेलने के लिए कहता है। जब वो 100 तक गिन रहा होता है, टेड फोन ढूंढ के जॉन को कॉल कर देता है। जॉन इस टाइम लॉरी के साथ होता है। टेड जॉन को बताता है कि उस पार्क वाले आदमी ने उसको किडनैप कर लिया है। तभी वहां पे डॉनी आ जाता है और टेड का कॉल कट जाता है। जॉन को याद आता है कि उस आदमी ने पार्क में जॉन को अपना एड्रेस दिया था। जॉन और लॉरी अब उसके एड्रेस पे जाते हैं और जॉन पुलिस को भी कॉल कर देता है। डॉनी से बचने के लिए टेड डॉनी के फोन मार के भाग जाता है। जब टेड भाग रहा होता है, उसका पैर फिसल के वो स्टोर रूम में गिर जाता है। टेड देखता है कि वहां पे बहुत सारे फटे हुए टेडी बियर होते हैं। टेड उन्हें देख के बहुत डर जाता है, पर डॉनी टेड को पकड़ लेता है। डॉनी टेड को बैग में रख के कहीं और ले जाने की सोचता है। जब वो उसको लेके जा रहा होता है, तभी वहां पे जॉन भी आ जाता है। फिर लॉरी और जॉन डॉनी की गाड़ी का पीछा करते हैं, और टेड चलती गाड़ी का शीशा तोड़ के जॉन की कार में कूद जाता है। पर तभी डॉनी अपनी कार की ब्रेक मारता है और टेड वापस से डॉनी की ही कार में गिर जाता है। डॉनी कार बहुत तेज चला रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टेड वहां से बच के स्टेडियम के अंदर चला जाता है। फिर वो सारे स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। वहां पे जॉन डॉनी के बेटे के मुंह पे बहुत तेज मुक्का मारते हैं और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। टेड डॉनी से बचने के लिए एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है, पर डॉनी भी वहां उसके पीछे आ जाता है और वो टेड के दो टुकड़े करके टावर से नीचे गिरा देता है। तभी वहां पे पुलिस की कार आ जाती है और ये देख के डॉनी वहां से भाग जाता है। जॉन और लॉरी टेड की सारी स्टफिंग इकट्ठा करते हैं और टेड जॉन को कहता है कि तुम लॉरी को दोबारा कभी मत खोना। इसके बाद टेड का जादू खत्म हो जाता है और वो एक नॉर्मल टेडी बियर बन जाता है। जॉन और लॉरी टेड को नहीं खोना चाहते, इसलिए वो वहां से जल्दी से अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और टेड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लॉरी टेड को सिल के उसको जोड़ देती है, पर ये करने का कोई भी फायदा नहीं होता। वो दोनों फिर उदास होकर अपने रूम में चले जाते हैं। जब जॉन सो रहा होता है, लॉरी टेड के ठीक होने के लिए विश करती है, और अगली सुबह उठ के जब जॉन टेड के पास जाता है, वो देखता है कि टेड ठीक हो चुका है। इसके बाद जॉन लॉरी को रात को विश करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। जॉन फिर लॉरी को शादी के लिए पूछता है और लॉरी उसको हाँ कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। टेड अब अपनी जिंदगी खुद जीने लगा है और वो अब अपनी ग्रोसरी स्टोर वाली गर्लफ्रेंड के साथ है, और उसको ग्रोसरी स्टोर का मैनेजर बना दिया गया है। और रेक्स को मजबूर होना पड़ा लॉरी का पीछा छोड़ने के लिए। इस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और एक बहुत भयानक मौत मरा। डॉनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उस पर इल्जाम लगा एक खिलौने का अपहरण करने का, पर चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए जब सबको पता लगा ये कितना स्टूपिड था। तो ये थी मूवी टेड की पूरी कहानी। ऐसे ही वीडियो और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आप अगली वीडियो किस मूवी पे चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।